सुनिंद्र। जय माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। अगर आपकी कुंडली में गुरु देव गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके लाइफ में ऐसे क्या नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जिससे आपको पता चले कि कुंडली में किसी न किसी तरीके से गुरु कमजोर है या दूषित है या पीड़ित है या अशुभ प्रभाव में है आपके लाइफ में? सबसे पहले तो एजुकेशन, एजुकेशन में आप बहुत होशियार है लेकिन आपको किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी जिम्मेदारी की वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आप बहुत होशियार है, आप बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या आपको बहुत रुकावटों से पढ़ाई होती है तो आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है। या आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ और पढ़ना पड़ता है, पैसे के प्रॉब्लम से, आर्थिक प्रॉब्लम से, रुकावटों से पढ़ाई बदलनी पड़ती है। एक साल पढ़ाई की वो छोड़ के आपको वापिस आप दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। ये जो रुकावटें आती है कुंडली में, अगर गुरु खराब है तो पढ़ाई में आपकी रुकावटें आएंगी और अगर वो ज़्यादा ज़्यादा वीक है तो आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। हायर एजुकेशन है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ों में रुकावटों का सामना आपको बहुत करना पड़ेगा। इसके बाद आपको शादी में तकलीफें आएंगी अगर कुंडली में आपके गुरु खराब है। देखना पड़ता है उसके साथ भाव भी देखना पड़ता है, नहीं तो किसी का एजुकेशन खराब होता है लेकिन शादी जल्दी हो जाती है। सेवेंथ हाउस को भी वहाँ पे देखना पड़ता है, दो तीन चीज़ों को मिला के देखा जाता है। इसके लिए दूसरी तरीके से ये पता चलेगा कि अगर किसी भी स्पेशली लेडीज को शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, शादी में लेट पे लेट हो रहा है या शादी में शादी होने के बाद भी असंतोष तकलीफें ज़्यादा है तो ये चीज़ में भी गुरु ग्रह कमजोर होने की संभावना पूरी होती है। जब भी आप जनरली देखिए कोई भी लेडीज के जब शादी में लेट होता है तो पंडित ब्राह्मण बिना कुंडली नहीं होती है तब भी पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु का बल बढ़ाने से एक बार तो वो ये सोचते हैं कि शादी का एक बार कुछ बैठ तो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो संतान होना, संतान भी गुरु ग्रह बलवान होने पर बहुत आसानी से हमें अच्छी संतानें हमारे घर में आ जाती है, हमारे घर बच्चों के ऐसे से खिल उठता है। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो आपके घर में संतान होने में भी आपको डिले हो रहा है, 2 साल हो गए शादी को, 4 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए संतान नहीं हुई, तब भी पांचवें घर को भी देखना है लेकिन जो उसका कारक है गुरु को भी देखना होगा। इसके लिए ये प्रॉब्लम से तब भी आपका गुरु कहीं ना कहीं कमजोर, पीड़ित, पाप प्रभाव में नीच के, किसी न किसी तरीके से अंशात्मक रूप से अस्त के कमजोर हो सकते हैं। आपको उपाय करवाना चाहिए, कुंडली दिखाकर आपको प्रॉपर उपाय करना चाहिए तो इससे फायदे होते हैं। अगर आप समझिए बहुत कई सालों से आप मेहनत से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप एक कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपसे कम इंटेलिजेंट इंसान, आपसे कम कैपेबल इंसान आपसे बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं, आपका प्रमोशंस नहीं हो रहे, आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जो आप डिजर्व करते हो जितना आपके पास नॉलेज है, तो वहाँ पे आपका गुरु कमजोर होगा। तो आपको जो प्रमोशंस चाहिए, जो एक लेवल चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, वहाँ पर नहीं पहुँचने देंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स की ही लाइन क्यों ना हो। वहाँ पे भी अगर आपके गुरु कमजोर है तो आप सालों से दिल लगा के लगन से मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो पोस्ट जो मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है। आप सालों से स्कूल में टीचर है, आप सालों से प्रोफेसर है, उसमें भी आप जो प्रोग्रेस चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, गुरु कमजोर है आपका। अगर आपके घर पे से सोना चोरी हो जाता है, अगर समझिए आपका सोना पहनते हो गिर जाता है बार बार, तब भी आपकी कुंडली में गुरु किसी प्रकार से पाप पीड़ित हो सकते हैं, आपको देखना चाहिए। अगर गुरु ग्रह कमजोर होंगे तो हमारी लाइफ के जो मेन जो हमारी जो लाइफ के जो स्तंभ है इसके साथ साथ देखिए जिस तरह शादी, संतान, एजुकेशन, संपत्ति, इसके अलावा जो है संपत्ति, अगर आपकी प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, शुक्र के साथ साथ गुरु का भी बलवान होना जरूरी होता है संपत्ति के लिए। गुरु बलवान होता है तो ऐसे लोगों को, और नवम भाव नाइन्थ हाउस बलवान होता है साथ में, ऐसे लोगों को करोड़ों की संपत्ति बाप दादा से ही मिल जाती है। और एक इंसान आज की तारीख में अगर खुद पूरी लाइफ मेहनत भी करता है ईमानदारी से तो उसके लिए एक घर बनाना ही एक बड़ी बात हो जाती है, लाखों करोड़ों में एक प्रॉपर्टी आज बनती है सिटी में। तो ये जो चीज़ है गुरु का बलवान होना हमारी लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपके लाइफ में इसमें से इन सब चीज़ों में से किसी भी तरीके से कोई इशू है तो कुंडली में जरूर देखिए, गौर करिए गुरु कहीं कमजोर तो नहीं है। कारक होके कमजोर होगा तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा नुकसान करेगी। तब उनके जो उपाय होते हैं जब तब रत्नदान आपको करने चाहिए, पर कुंडली दिखा कर करने चाहिए क्योंकि हर कोई रत्न नहीं पहन सकता है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली दिखाइए, प्रॉपर उसका उपाय करिए तो आपकी ये जो सब इशूज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आप निकल पाएंगे और आपको फायदा होगा। अगर हमारे कार्यालय से आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।